नहीं चलेगी, गुंडा कर दी, गुंडा कर दी, नहीं चलेगी, और बिजारी, नहीं चलेगी, गुंडा कर दी, नहीं चलेगी, और बिजारी, नहीं चलेगी, गुंडा कर दी, नहीं चलेगी, और बिजारी, नहीं चलेगी, गुंडा कर दी, नहीं चलेगी, और बिजारी, नहीं चलेगी। आज प्रदर्शन हम इसलिए कर रहे हैं कि सुबह एक हमारी बेटी वो स्कूल को जा रही थी, कुछ शरारती तत्वों ने उसको जबरन उठा के गाड़ी में डाल दिया। और दिन के टाइम वो बॉर्डर का रोड है, जो बॉर्डर का नेशनल हाईवे है, जहाँ पे 24 घंटे गाड़ियां चल रही हैं। आप बताओ कि चोरों की कितनी बड़ी हौसला, कितना बड़ा दिल बड़ा होगा जब दिन के समय सुबह 10 बजे एक लड़की को उठा के गाड़ी में लेके चले जाते हैं स्कूल टाइम के ऊपर। तो आपकी डिमांड क्या है? हम डिमांड क्या है कि उनको पकड़ के उनके ऊपर जबरन चार सफात का जो भी कड़ी से कड़ी दफा लगनी चाहिए, उनको जेलों के अंदर डालना चाहिए। और एक ताकि समाज के लिए एक सबक बने, ताकि आने वाले टाइम पे कोई चोर, कोई डकैत, कोई भी जबरन वसूली करने वाले पे पता चल जाए कि ऐसे काम करने के ऊपर। मैं जगदीश चंद्र जहाँ का स्थानीय दुकानदार हूँ। तो जैसे आज सुबह 7:30 बजे की घटना है कि जहाँ गद्याल की एट क्लास की फीमेल स्टूडेंट थी, तो अपनी गाड़ी लेने के लिए यहाँ पर अपने पॉइंट पे स्टैंड पे खड़ी थी, तो चार लड़के जो कुछ उनमें शामिल हैं, जहाँ के जो लोकल के लड़के हैं, कुछ उनके संबंधी हैं, उन्होंने उस लड़की को फौरन एक लाल रंग की कार थी फौरन खींच के उसमें बैठा के किडनैप करके पता नहीं कहाँ चले गए हैं, कहाँ ले गए हैं। तो हम सभी लोग जहाँ के दुकानदार, जहाँ के लोकल, जहाँ के रेजिडेंशियल, पुलिस से, एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील करते हैं कि जल्दी से जल्दी उस लड़की को ट्रेस करके जो कल्प्रिट हैं, जो मुजरिम हैं, उन पे किडनैपिंग का पर्चा लगाकर अरेस्ट करके लोगों के सामने पेश करें, ताकि आगे की जो वारदातें होने वाली होंगी वो थोड़ी रुक जाएं। कुछ दिन पहले की बात है, इसी तरह 26/5 की बात है, रात को जहां राबरी हो गई थी, जो गणेश कुमार यहां का शॉपकीपर था, उसको 26 तारीख रात के 10 बजे रोक के राबरी की गई, उसका बैग स्नैचिंग हो गया। तो उस एक्शन में पुलिस कार्रवाई तो कर रही है, ये नहीं कि नहीं कर रही है, लेकिन अभी तक वो जो गुनाकार थे, कल्प्रिट थे, शायद वो भी अभी तक हाथ नहीं लग रहे हैं। हो सकता है इन्हीं लड़कों में से उनके साथ भी कोई